हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैंने मल्टी कलर की मैक्रम ली हुई है और 8 नंबर सलाई ली हुई है और 18 फंदे डाले हैं। आप पेयर के हिसाब से कितने भी फंदे डाल लीजिए। मैंने 16 फंदों में मैं डिजाइन डालूंगी और 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। आप पेयर के हिसाब से जितना बड़ा बनाए उतने फंदे इसमें ले लीजिए। तो देखिए, यहाँ से मैं 2 फंदे इस वाइट कलर से बुनूंगी ऐसे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं रेड कलर लगा लूंगी। यहाँ पे मैं 8 फंदे रेड से बुनूंगी और इस मैक्रम को मैं इधर ही लाऊंगी। यहाँ पे मैं दूसरी लगाऊंगी क्योंकि सिर्फ 2 फंदे बुनने हैं मुझे। यहाँ पे 2, 4, 6, 7, 8, ये देखिए 8 फंदे मैंने बुन लिए और उसके बाद यहाँ से मैं वाइट कलर से बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए 6 फंदे बुने मैंने, 2 बिना बुने छोड़ दिए। वापस इसको यहीं से पलट लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे जो जैसा है उसको मैं वैसे ही बनाऊंगी। इस तरीके से आप देखिए मैक्रम को क्रॉस कराएंगे ऐसे। इसको आगे, रेड को आगे लाएंगे और यहां से ये वाले फंदे रेड से बुनेंगे। आप देखिए यहां तक मैंने ये बना लिया। अब मैं इन 2 फंदों के लिए अलग से मैक्रम को जोड़ूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे ये 2 ही फंदे सिर्फ बुनने हैं, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगी पीछे और यहाँ से ऐसे ये 2 फंदे इससे बाइट से बना लूंगी ऐसे, और इधर नॉट लगा दूंगी इसकी ताकि ये खुले नहीं इसमें। ये देखिए यहाँ से आप देखिए मैं यहाँ से कली ऊपर के साइड ले जाऊंगी। तो देखिए ये 2 फंदे जैसे बना रही हूँ मैं वैसे ही बनाऊंगी। आप देखिए यहाँ से रेड लगा लूंगी दो फंदे, ये रेड वाले वाइट से बुनूंगी। ये देखिए ऐसे 2 बना लिए और 2 लास्ट में छोड़ दूंगी। ये देखिए 2 पहले छोड़े, 2 अब छोड़ दिए और यहीं से इसको फिर से पलट लेंगे और यहाँ से इसको उल्टा बनाते हुए वैसे ही कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी क्रॉस कराएंगे, रेड आगे लाएंगे। इसको इधर कर देंगे, बाइट आगे लाएंगे, 2 फंदे ये बाइट बना लेंगे। आप देखिए इसी तरीके से मैं 2-2 फंदे छोड़ते हुए और 2-2 ये रेड लेते हुए 6 फंदे ये इधर ये कर लूंगी और इधर छोड़ दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 8 फंदे छोड़ दिए हैं और ये 6 रेड कर लिए हैं। 2 मैंने छोड़ दिए क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए 2 फंदे यहाँ पे छोड़ रखे हैं। तो आप देखिए मैं अंदर की साइड कली ले जाऊंगी। इसको मैंने इस तरीके से बना लिया और देखिए इसको इधर करेंगे और यहाँ से ये 2 फंदे रेड बचे हैं इनको, और 2 आगे से ले लूँगी वाइट वाले ऐसे। और देखिए यहाँ से मैं फिर से वाइट कलर लगाऊंगी। अब देखिए 4 फंदे ये बुनूंगी मैं और 2 छूटे वाले मैं से ले लूँगी ये वाले, और यहीं से वापस हो जाऊंगी इस तरीके से। फिर से देखिए यहाँ से इसको पलट लेंगे ऐसे। ये देखिए इसको इधर करेंगे, रेड को आगे लाएंगे और ये 4 फंदे रेड बुनेंगे
और देखिए फिर से इसको इधर करेंगे, इस वाले को आगे लाएंगे, दो फंदे वाइट ऐसे। आप देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये आठ फंदे कर लेती हूँ और यहाँ से ये दो दो करके इधर को ले लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये आठ फंदे रेड के कर लिए और यहाँ से छह फंदे ये ले लिए, दो रह गए हैं हमारे पास। अब देखिए तो मैं यहाँ से सभी फंदे इस बाइट से बना लूंगी। ये देखिए इस तरीके से ऐसे। इस तरीके से लास्ट तक मैं इसको बुन लूंगी। ये देखिए यहाँ पे गैपिंग को खत्म कर देंगे ऐसे, फंदा उठा के अगले फंदे के साथ तीन का एक कर देंगे, ये देखिए, और अगला फंदा भी बुन लेंगे। दो फंदे हमें लेने थे आगे से, और इधर से इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर दें। ये देखिए मैंने इधर से बना लिए रो और एक कली बनके कंप्लीट हो गई। आप देखिए अगली कली स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से मैं ये दो फंदे बुन लूँगी। और देखिए यहाँ का मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगी, जो मैं रेड लगा रही हूँ सेम इसी जगह दूसरा कलर लगाऊंगी। तो आप इसी तरीके से इसको जो भी कलर आपके पास बचे हुए हों उनको आप यूज करके भी बना सकते हैं। ये देखिए अब मैं यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करूँगी, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये देखिए आठ फंदे मैंने ये ब्लैक से बना लिए, दो चार छ आठ, और देखिए यहाँ पे छह फंदे वाइट बुनूंगी मैं, तीन चार पाँच छ, ये देखिए छह बना लिए, दो बिना बुने छोड़ दिए। अब इसको वापस यहीं से पलट लेंगे। ये देखिए यहाँ तक बना लिया, अब इसको क्रॉस करा देंगे ऐसे, इसको आगे लाएंगे। ये देखिए इसको इधर कर देंगे, इसको फिर से आगे लाएंगे वाइट को, दो फंदे ये बॉर्डर वाले ऐसे ही बनाएंगे। आप देखिए इसी तरीके से मैंने जिस तरह से ये बनाया इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट करूंगी बनाते हुए।